चंपावत जनपद में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर आज जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा सिप्टी वाटरफॉल एवं गौड़ी स्थित धानकेश्वर धुद्र कुंड का स्थलीय निरीक्षण किया गया। सिप्टी वाटरफॉल सौंदर्यीकरण हेतु 96 लाख का प्रस्ताव भेजा गया है। तो वहीं सिप्टी वाटरफॉल के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी भंडारी ने प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस प्राकृतिक झरने की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहां पर्यटन की अपार संभावना है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा इसके विकास की घोषणा भी की गई है। चंपावत से ललित मोहन कहतोड़ी की रिपोर्ट। सर, और सिप्टी वाटरफॉल का आपके द्वारा निरीक्षण किया, क्या कहना चाहेंगे सर? उसमें जो टूरिज्म पोटेंशियल इसका बढ़ाना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है सिप्टी वाटरफॉल में टूरिज्म पोटेंशियल का निर्माण किया जाएगा, और इसमें टूरिज्म पोटेंशियल के साथ साथ जो उसका इंफ्रा है और टूरिस्ट कैसे आए वहाँ पर, उसका पोटेंशियल कैसे रियलाइज हो, तो इसके हिसाब से उसकी DPR बनाने के लिए जो DPR में कंपोनेंट्स रखे गए हैं उनकी गुणवत्ता क्वालिटी देखने के लिए वहाँ पर इंस्पेक्शन किया गया। और हमें आशा है कि जब वो वहाँ पर एक मतलब वहाँ पे टूरिज्म फैसिलिटीज़ का निर्माण होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे देखने आएंगे और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और चंपावत में एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन जुड़ेगा। थैंक यू।